नमस्कार। आज हम लोग हेट स्पीच पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा 2022 में 5 स्टेटों में इलेक्शन खत्म हुआ, जिसमें 4 स्टेटों में बीजेपी जीती और एक स्टेट जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में। और उसके बाद से कुछ बहुत सी पॉलिटिकल हलचल शुरू हो गई है। गुजरात इलेक्शन अभी बाकी है, 9 स्टेटों में इलेक्शन अगले 1.5 साल में होना है, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है। और सत्ताधारी बीजेपी दल को कहीं ये अनुमान है कि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही, तो अपना जो पोलराइजेशन का उनका वोट है, जो हिंदू वोट है, उसको कैसे मोबिलाइज दोबारा से किया जाए ताकि आने वाली स्टेटों के इलेक्शंस में उनकी थम्पिंग मेजोरिटी से जीत हो, इस पे काम शुरू हो गया है। और कुछ चीज़ें पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत डिस्टर्बिंग निकल कर आई हैं, और जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, आरएसएस और जितनी भी संस्थाएं हैं बीजेपी की सरकार की, वो संस्थाएं किस तरीके से हेट स्पीचेस करके, कार्यक्रम करके, हिंदू महासभा करके, ऐसे कार्यक्रमों में किस तरीके की भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की माइनॉरिटीज और देश की जो सेकुलर ढांचा है, एक वेलफेयर स्टेट का ढांचा है, उसको किस तरीके से सोशल फैब्रिक को इस कंट्री के ख़त्म किया जा रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले, यति नरसिंहानंद हैं, ये गाजियाबाद डासना में एक मंदिर के संस्थापक थे। इन्होंने पहले भी कई बार स्टेटमेंट्स दी हैं। और एक प्रीत सिंह करके हैं, जो जनपथ पे एक प्रोग्राम हुआ था पिछले 6-8 महीने पहले, आपने देखा, उसमें इनको अरेस्ट भी किया गया और बेल पे छूटे, और इनको कोर्ट से कहा भी गया कि आप इस तरीके के जो हैं अभद्र भाषा का और भाषण का इस्तेमाल सांप्रदायिकता भड़काने के लिए मत किया कीजिए। तो प्रीत सिंह भी वहाँ पे थे और ये यति नरसिंहानंद भी वहाँ पर थे। एक महापंचायत दिल्ली में हुई, इसमें नरसिंहानंद हरिद्वार की हेट स्पीच में पहले एक्यूज हैं, और उन्होंने वहाँ ये कहा कि अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाता है इस देश का, तो देश की 50% हिंदू जनता जो है वो खतरे में आ जाएगी, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये सब हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। उसके बाद 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ वीडियोस निकल कर आए, और उन वीडियोस में भी इस तरीके की बातें की जा रही हैं। कहा ये जा रहा है कि इनको एज मैसेंजर, या जिसको कहिए कि इनको तैयारी करके इनको फील्ड में भेजा जा रहा है कि वहाँ अपना गाड़ी लेके, बाइक लेके, मोटरसाइकिल लेके लोगों को गांव देहातों में जाके और लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे भड़काने का काम करें। तो ये एक फुट सोल्जर आर्मी जो है, ये हिंदू महासभा की और ये बजरंग दल की, ये कार्यरत हो गई है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, ये ग्राफ लगाइए, ग्राफ 1 में जनवरी 2009 से लेके जनवरी 2022 तक का ये एक आंकड़ा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि UPA2 की सरकार जब थी 2009 से लेकर 2014 तक, तो करीब 19 केसेस ऐसे VIP हेट स्पीच के जो है, जिसमें देश के लेजिस्लेचर्स हों, MPs हों, MLAs हों, या किसी भी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो गलत है, इस देश में सांप्रदायिकता या दंगे भड़काने के उद्देश्य से दी गई है। तो 19 ऐसे मामले थे। और 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो उसके बाद से जनवरी 2022 तक 348 मामले ऐसे हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। अनरिपोर्टेड मामले तो हम बता ही नहीं सकते, हजारों में होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, पर जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं वो करीब 348 इंसिडेंट्स हैं। तो इसका मसला ये है कि इसका मतलब है कि ये सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए 80-20 का जो नारा दिया जाता है कि 80% हिंदू हैं और बाकी मुसलमान हैं, तो या अदर माइनॉरिटीज हैं, इन लोगों को इस तरीके से वोट की राजनीति करना, ये देश की संविधान के लिए और देश की आगे आने वाले समय के लिए, आगे आगे आने वाली नस्ल के लिए ये खतरा पैदा करता है। मैं आपको बता दूं, ये जो इंसिडेंट हुआ था, पिक्चर 2 चलाइए, ये एक स्टेज है, हालांकि इसका वीडियो मेरे पास है, पर वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैं चाहता नहीं कि आप लोग उसे सुने। और मैं उसके बारे में बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल,
ने 5,000 त्रिशूल बांटने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। प्रवीण तोगड़िया का नाम आपने सुना होगा, अहमदाबाद में एक जगह वो मूर्छित पाए गए और बीजेपी और आरएसएस के बहुत पुराने संघ कार्यकर्ता रहे हैं। उनके जो उनके साथ के हैं मनोज कुमार, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाई हैं उनकी जो उनके जो परिवार के लोग हैं वो हमारी इंतज़ार कर रहे हैं, बजरंगियों की इंतज़ार कर रहे हैं, और बजरंगी जो हैं वो अब मुसलमानों को सिखाएंगे कि बच्चे कैसे पैदा किया जाते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया कैसे जाते हैं, मतलब इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं पूरी बात तो आपको नहीं कह सकता, आपको सोशल मीडिया पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी बात ये कही कि हिंदू जो है वो मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे 2013 में, वहाँ से जाग गया, हिंदू जाग गया है और अब हिंदू सोएगा नहीं। तो जैसे शिवाजी ने त्रिशूल लेकर अली को, मतलब मुस्लिम अली को जो है वो दीक्षा दी थी और उनको उनको उनका घात किया था, अभी किस स्टोरी की बात कर रहे हैं, कौन सी ये पौराणिक कथा है इसके बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं है। अगर किसी को ज्ञात हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में हमने जो है उनको परास्त किया, मुसलमानों को परास्त किया और उनको उनका पलायन हुआ, वो हिंदुओं को भगाना चाह रहे थे, हमने उनको भगा दिया, मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। हालांकि विधानसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत का अगर हम सिर्फ एरिया देखें तो उसमें 12 में से 8 सीटें सपा और रौलत गठबंधन की थी। तो जिनकी बात ये कर रहे हैं, जैसे संगीत सोम है, संगीत सोम जो है उन पे चार्जेस थे कि उन्होंने राइट्स और मॉब को भड़काने का काम किया था सरदना में, वो सरदना से इलेक्शन हार गए। सुरेश मराराना जो हैं उत्तर प्रदेश के शुगर मिनिस्टर थे, शुगर इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे, वो थाना भवन से इलेक्शन हार गए। आपके मृगयांका सिंह, जिनके फादर हुकुम सिंह जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो कैराना से नाहिद हसन से हार गई। और हुकुम सिंह को ये कहा जाता है कि उन्होंने 2003 में कि हिंदुओं को कैराना से जो है वो भगाया गया, निकाला गया, उनके घरों में लूटपाट मचाई गई, इस तरीके के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए जिसकी वजह से दंगे शुरू हुए। तो उनकी बेटी भी इलेक्शन हार गई। तो इस तरीके से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत में 8 सीटों पे इनका नुकसान हुआ कहीं। और दूसरी बात यह है कि बड़ौत में, बागपत में भी जो इलेक्शन हुआ वो सिर्फ 300 वोटों से जीती थी 2017 में, हालांकि 10 सीटें 12 में से जीती थी, इस बार 8 सीटें हार गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों को मुजफ्फरनगर की याद दिलाना और एक हेट की राजनीति करना, एक पोलराइजेशन की राजनीति करना, ये एक आम बात हो गई है बीजेपी पार्टी के लिए। और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनकी सीटें कम हो रही हैं, आगामी पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 में आने वाले हैं, तो इसके मद्देनज़र इन्होंने ये फिर से अपने दूत भेज भेज के गांव देहातों में ये सब काम शुरू कर दिया। 2017 में बीजेपी ने बिजनौर में भी काफ़ी सीटें जीती थी। अब जाट मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से 2 उन 4 सीटों में से 2 वो जो है हार गई। मेरठ में भी अलायंस ने 4 सीटें जीती 7 सीटों में। 2017 में बीजेपी 6 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ा बीजेपी को, इन्होंने अपना आकलन किया होगा, इनकी जो कारकारनी बैठती है, क्योंकि हमेशा बीजेपी पार्टी जो है इलेक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचती है, देश के बारे में कम सोचती है। तो हो सकता है ये सब आकलन करके उन्होंने कहा हो कि फटाफट हमको अब बाकी प्रदेशों के डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने लोगों को भेज के मुजफ्फरनगर दंगों की और इन सब चीज़ों की याद दोबारा से दिलानी चाहिए। बिजनौर में भी 2 सीटें ये हारी 4 में से, और 2 सीटों में तो उनका मार्जिन 200 वोटों से भी कम था। हालांकि सफर औलत वाले कहते हैं कि काउंटिंग में और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जेब में 2000 वोट होते हैं पोस्टल बैलेट के और दूसरे, तो कहीं ना कहीं इसमें धांधलीबाजी हुई है। फिर मनोज कुमार ने यह भी कह दिया कि कश्मीर फाइल्स मूवी जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, एक कंट्रोवर्शियल फिल्म है, उन्होंने कहा गुजरात 2002 दंगों पे भी एक फिल्म बननी चाहिए, जब बजरंग बली ने त्रिशूल से छाती पे बैठे थे त्रिशूल लेकर। अब बजरंग बली त्रिशूल का क्या कनेक्शन है ये मुझे नहीं पता। अब जो लोग पौराणिक
किताबें पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कि बजरंग बली और त्रिशूल का क्या कनेक्शन है। शिव और त्रिशूल का कनेक्शन तो मुझे पता है, बजरंग बली और त्रिशूल का कनेक्शन मुझे नहीं पता। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। हेलो, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहां कहीं काम से सूरों का बाड़ा है, जहां उस सूरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सूरों ने इकट्ठा किया है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सूरों को कि 28 जो जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर आता रही है तो मैं तुम्हारा पूरा खतरा कर दूंगा। और मैं खुलेआम इन जिहादियों को सूरों को खुलेआम चुनौती देता हूँ कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद पर रहिए, क्योंकि अगर श्री रामनगर बनने जा रहा है। सूअर के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सूअर के बाड़े में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी, हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। दादाजी के घर तुम लोग स्वयं हो गए, तो मेरी हत्या के लिए जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुअर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, 2 मिनट की एक हेट स्पीच है। ये इलाका जो है खैराबाद का इलाका है, ये खैराबाद जो है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है, करीब 70-75 किलोमीटर लखनऊ से। और खैराबाद की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत यहाँ से नामी गिरामी लोग, जानिसार अख्तर जो आपके अभी जावेद अख्तर साहब उनके फादर, वो खैराबादी हैं। खैराबाद ने बहुत पोएट्स, बहुत शायर, राइटर्स, थिंकर्स इस देश में दिए हैं। एक तपोवन माना जाता है, यहाँ से बहुत अच्छे ऋषि मुनि और पढ़े लिखे लोग कई फील्ड में जाके उन्होंने अपना अच्छा काम किया है। तो खैराबाद की जनता को ये महंत साहब जो है, एक मस्जिद के बाहर, एक शीशे वाली मस्जिद है वहाँ, ये 2 अप्रैल 2022 आज से करीब 10 दिन पहले की घटना है, दोपहर के 2 बजे ये वहाँ कह रहे हैं कि ये 28 लाख रुपए जिन्होंने इकट्ठे किए हैं मस्जिद वालों ने, और उनका जो वहाँ रहते हैं उनको, जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिनके यहाँ सुअर को हराम माना गया है, तो वो कहते हैं ये सुअर के बाड़े में 28 लाख लोग जो हैं 28 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं। इनको मैं ये बताने आया हूँ कि 2800 जन्म भी अगर कोशिश कर लें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं, क्यों ये मेंशन उन्होंने किया, किस लिंक से किया, वो मैं लिंक आपको भी समझाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी औरतों को कुछ हुआ तो हम आपकी औरतों को नहीं छोड़ेंगे, मतलब औरतों पे, जात पे, जमीन पे, इस तरीके की, मतलब बहुत ही एक दकियानूसी बातें करना, एक फ्यूडल बातें करना, मतलब ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड जिस तरीके के काम करते थे आज से 1500 साल 300-400 साल पहले, इस तरीके की बातें अब शोभा नहीं देती हैं। हम लोग प्रजातंत्र है, इस देश में सबको समान अधिकार है, सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है इस कंट्री के, तो ये सब बातें क्यों होती। तो इन्होंने काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो सारी भाषा तो मैं नहीं बता सकता, बट इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ इन्हीं महाशय का मैं एक दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूँ, उस दूसरे वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से स्टोरी निकल के आई। हमारे पूजनीय देव स्वरूप दारा सिंह जी हैं, धर्म योद्धा हैं, जिन्होंने आज के ही दिन, जैसे
रावण का संहार करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में आए थे तो विजय दिवस मनाया गया था। ऐसे ही इन्होंने आज उस महापापी और महाराक्षस ग्राहम स्टेन्स, जो अपने धर्म सनातनियों के धर्म को परिवर्तन करके ईसाई बना रहा था, उसको अग्नि के हवाले किया था, अग्नि देवता के हवाले किया था, इसलिए आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। ये हमारे धर्मयोद्धा हैं, मैं ऐसे धर्मयोद्धा को प्रणाम करता हूँ और ये चाहता हूँ कि पूजनी दारा सिंह को एक शंकराचार्य का पद दिया जाना चाहिए। अब धर्म के लिए दी गई बलिदानियों के आधार पर पद देना चाहिए, मेरी ये सोच है, मेरी ये समझ है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी साधु संत राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हैं वो दारा सिंह को शंकराचार्य बनाने के लिए हमारा समर्थन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आपने इस दूसरे वीडियो में देखा, इन्होंने एक दारा सिंह का नाम लिया। अब ये दारा सिंह कौन है? ये दारा सिंह को शंकराचार्य की उपाधि देने की बात करते हैं। ये दारा सिंह वो आदमी है जिन्होंने उड़ीसा में एक मनोहरपुर गांव था, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ग्राहम स्टेन्स नाम के एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी थे। 22 जनवरी 22 की रात और 23 की सुबह 1999 में इन्होंने ग्राहम स्टेन्स, स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो बच्चे, एक 10 साल का बेटा था फिलिप और एक टिमथी 6 साल का बच्चा था, उनको जिंदा जला दिया उनकी जीप में। वो जीप में सो रहे थे अपनी, कहीं से इनको खबर मिली, दारा सिंह साहब और उनके 14-15 एसोसिएट्स थे, कि ये लोग यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो लोग सोशल वर्कर्स थे और लेप्रसी और जितनी भी ये अछूत बीमारियाँ होती हैं इनके इलाज के लिए गांव-गांव जाके लोगों को हेल्प करते थे। अब वो क्रिश्चियन मिशनरी थे, भाई मिशनरीज तो कई हॉस्पिटल्स हैं इस देश में, जिन्होंने मिशनरी चैरिटीज़ के द्वारा कई हॉस्पिटल्स की स्थापना की जो पब्लिक हेल्थ में आज भी कार्यरत हैं। तो इन लोगों को एक कि ये क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, लोगों को कन्वर्जन कर रहे थे इस नाम पे, दारा सिंह जैसे। और दारा सिंह कोई अच्छा आदमी तो था नहीं, उसके ऊपर पहले भी से कई केसेस थे, बदमाश टाइप का आदमी था वो। अपने 14-15 लोगों के साथ गया और जीप में ये फादर और इनके दो बच्चे सो रहे थे, तो इनको उन्होंने जिंदा जला दिया। उसके बाद ये कॉन्विक्ट भी हुए, इनको पहले सजा हुई, मौत की सजा हुई, और फिर उसको कम्यूट करके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि 2022 में इन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील दाखिल की कि मैं 2003 में इनको सजा हुई थी शायद, तो 2022 में इन्होंने कहा कि मुझे जो है मेरी लाइफ सेंटेंस को कम कर दिया जाए, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इनके एक और साथी थे बुद्धादेव नायक, जिनको 20 साल बाद 2019 में गिरफ्तार किया गया, और 20 साल तक वो पुलिस को मिले नहीं। जब एक दिन वो उनके गांव में, अपने पैतृक गांव में गए, तो वहां वो पकड़ लिए गए। तो ये जिनको शंकराचार्य बनाने की बात कर रहे हैं वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, 3 आदमियों की हत्याओं, 2 बच्चे और 1 आदमी की हत्या में आरोपी हैं। तो ये किस तरीके का वो बात कर रहे हैं, और इसी में वो ये भी कहते हैं कि ये जो खैराबाद है इसको मैं श्रीराम नगर बना दूंगा, और ये जो अल्लाह के नूर की बात करते हैं मैं बाबा का सरूर दिखा दूंगा, मतलब बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो कि नागवार गुजरती हैं, जिसके बारे में बात करना भी जो है वो अच्छा नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से श्री राम ने रावण को मारा उसी तरीके से दारा सिंह ने जो है ग्राहम स्टेन्स को, मतलब ग्राहम स्टेन्स जो है वो रावण हो गए, और दारा सिंह जो एक कॉन्विक्ट हैं, जो सजा याफ्ता मुजरिम है इस हाई कोर्ट के द्वारा, जिनको सजा सुनाई गई, वो जो हैं वो श्री राम से कंपेयर किए जा रहे हैं। मतलब देश की जो हमारी मीडिया है या हमारी देश की जो न्यायपालिका है उस पे ये किस तरीके का ये इल्ज़ाम है, इस बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये इस देश की राजनीति जो है, अब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन मुद्दों पर चलेगी, या देश की राजनीति जो है वो असल मुद्दों पर चलेगी। अब मैं आपको लास्ट में ये slide 3 दिखाता हूँ। ये slide 3 में देखिए कि असली इश्यूज हैं क्या और इश्यूज बनाए क्या जा रहे हैं। मुद्दा जो है वो पिछले इलेक्शन से 3 महीने पहले 10 रुपये डीजल पे कम कर दिए गए, और पिछले 3 हफ्तों में 10 रुपये बढ़ा दिए गए इलेक्शन के तुरंत बाद।
ये असली मुद्दा है। आज देश में सिलेंडर सबसे महंगा है पूरी दुनिया में, मतलब अगर 1250 रुपये का सिलेंडर श्रीलंका में है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल इस टाइम जिसका डेट जो है उसके GDP से ज़्यादा निकल गया है, 90% से ज़्यादा एक्सीड कर गया, वहाँ 1250-1250 रुपये का सिलेंडर है, यहाँ 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। दवाइयों की जरूरत की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, जरूरत की दवाइयाँ, पैरासीटामोल वगैरह, कॉम्बीफ्लैम, मतलब बेसिक दवाइयाँ जो चाहिए होती हैं एक आदमी को जीवन यापन के लिए, उन दवाइयों का दाम भी 11 से 12% बढ़ा दिया गया है। इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर है। आज ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया कि जो पहले रिटेल इन्फ्लेशन 5% पे अनुमानित था बजट में, वो अब 6% से ऊपर चला जाएगा फ्यूल प्राइस इंक्रीज की वजह से और चीज़ों की वजह से, महंगाई की वजह से। और बात क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस क्या दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस में कश्मीर फाइल्स पिक्चर को प्रमोट किया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहाँ से भगाए गए जिहादियों द्वारा। वहाँ बात की जाती है हिजाब की, कि हिजाब जो है वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, वे ऑफ लाइफ नहीं है, तो स्कूल में बच्चियाँ जो हैं अपना सिर ढक के नहीं आ सकती। बात की जाती है हलाल की, कि हलाल क्या है और झटका क्या है, और हलाल जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मुसलमान है, तो हलाल वर्ड हमारे एंटी हिंदू है। फिर आज़ान भी बात की जाती है। अब आपने देखा किस तरीके से वो शीशे वाली मस्जिद पे ये महंत जो थे वहाँ पे खुलेआम धमकियाँ दे रहे थे मुस्लिम समुदाय को, उनको कह रहे थे बाड़े में रहते हैं और 28 लाख रुपये जमा करके और उनका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वहीं अजान की लाउड स्पीकर्स पे बात होती है कि जहाँ अजान का एक वीडियो और आया कल, इसमें अजान का लाउड स्पीकर अजान हो रही थी उस टाइम पे बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पे हल्ला कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बेकारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम होती जा रही है, देश के 80 करोड़ लोग जो हैं वो लाभार्थी वर्ग में गिने जाते हैं, राशन देके उनसे वोट लिया जाता है, तो क्या यही देश की राजनीति आगे चलाएगा कि आप फ्री में राशन बांटे, नौकरियां ना दें, बच्चों को झंडा दे दें और जय श्री राम के नारे लगाएं, बजरंग बली के नारे लगाएं और दूसरे समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करें, उनको मारें पीटें, और जब पुलिस उनको पकड़ के ले जाए तो उनको जेल से छुड़वा लें, तो और जो बड़ा क्राइम करे, मर्डर करे और चीज़ें करे, उनको आप शंकराचार्य की उपाधि दे दें। तो ये किस तरीके का हम लोग देश बनाना चाहते हैं, किस तरीके की हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं, और आगे आने वाले समय में जिस तरीके का हम जहर घोल रहे हैं उसे कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते आज्ञा लेता हूँ, अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे पर, किसी नए डिस्कशन पर, किसी नए बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।